श्रीमद् भगवत गीता विज्ञान अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। न्यू हम यो श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम यो श्लोक आमतौर पर जब महाभारत चल रहे त हम यो श्लोक आमतौर पर सुने से, ते आज इस श्लोक ने हम बड़े ही ध्यान ते समझेंगे। अग भैयो कर्म करना के चीज से, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताई अग भई तम तू सिर्फ कर्म करण का अधिकारी से, कर्म फल का अधिकारी नहीं से। तो तन्ने यो जो कर्म करना से तू इसका अधिकारक, तू इस आगे मत सोच अग भई मेरे मन ने के फल मिलेगा, मैं इनते लड़ूंगा और मेरे रिश्तेदार मर जाओगे, तो मैंने तो अच्छा फल ना मिल रहा है, तो लोग के कहेंगे, तो तू इसकी चिंता मत कर। वो न्यू समझान लाग रहे से अग भाई जो कर्म करे उसने जागरूकता के साथ कर, होशो आवास में कर। अग भाई तू धर्म की तरफ चाल लगा, अग अधर्म की तरफ चाल लगा। हमेशा जो अपना कर्म करे है उसने तू सही ढंग तक कर। ते उदाहरण दिया अग भाई जब हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी का वेतन पहली तारीख ने तो ना मिलता, पूरा एक महीना काम करके जब हमने वेतन मिलेगा। ते जो कर हम कोई फल कोई फसल बोए हैं ते उसमें हमने बीज बोया, बीज बोते हैं अगले दिन ते वह फसल ना तैयार होती, उसने भी कई महीने लग गए हैं, कई महीने लाग के फिर यह फसल तैयार हो से। तो इससे तरिया हम जो कर्म करेंगे तो उसका फल हमने इब ना मिले, और इब मिलेगा या हम न्यू सोचें कि के मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुंडा मिलेगा, यू नहीं सोचना। हमने बिना सोचे समझे कर्म करते आना, हमने जागरूक रहना से किस तरिया का कर्म करना चाहिए, यो सब तो जरूरी है। क्यों अब न्यू देख कि इस जन्म में जो हम अपना जीवन जी रहे से इसमें थोड़े बहुत दुख भी आवे से और थोड़े बहुत सुख भी आवे से, तो हमने न्यू तो नहीं बेरा अग भैयो जो कौन से कर्म का फल मिलने ला कर ऐसा हमने नहीं बेरा, तो इसलिए हमने गिनती नहीं करनी, गणना नहीं करनी इसकी अग भई मैंने मैं यो कर्म करूँगा तो भई मैंने यो फल मिलेगा, इसकी गणना करना हमने छोड़ देना चाहिए। किस पे छोड़ देना चाहिए? प्रकृति पे छोड़ देना चाहिए। भई मैंने अपना धर्म का पालन करा, इब कर्म फल के होगा मन नहीं बेरा, इस बात का हमने छोड़ देना चाहिए। अब क्यों अगर हम लालची हो गए अग भई चलो मैं जो है यो कर्म करूँगा तो इसमें मैंने सिद्धि मिलेगी, और ना ही नहीं करूँगा तो राग द्वेष उत्पन्न होगा, नहीं कुछ भी नहीं सोचना हमने। कई बार हमने सोचा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अग भाई चलो हमने तो किसी ताई रोटी खवा दी गरीब ताई, तो हमने पुण्य मिलेगा, हमने जो है किसी ताई दान दक्षिणा दे दी पुण्य मिलेगा। कदे भी नहीं सोचना चाहिए अपने कर्म फल के बारे में, हमने बस सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, कर्म फल के होगा नहीं बेरा, उसकी गणना नहीं करनी। क्यों हमने जब एक आशा होने लग गई अग भाई अच्छा हम रोटी खवाओगे तो हमने तो भाई पुण्य मिलेगा, हमने गान गुड़ खवाओगे तो हमने पुण्य मिलेगा, इब यह बात सोचने लग गए तो इसमें हमने कोई बढ़िया बात को ना, हमने यह बात बिना सोचे हुए करनी से अग भाई सिर्फ कर्म और कर्म फल की इच्छा नहीं रखनी, यह बात इस श्लोक में समझाई से। फिर दूसरी बात यह समझाई से अग भाई तू गदा छोड़ कर बैठ गया, तू धनिष छोड़ कर बैठ गया, मैं तो ना करूँ लड़ाई, तो यह भी बात कोई अच्छी बात ना से। क्यों आज नहीं करेगा तो तेरा आगे भविष्य में भी तू जो है अकर्म भी कर्म नहीं करने वाला कहलाओगा। तो हमने हमेशा अपने जीवन में बढ़िया बढ़िया कर्म करने चाहिए, और कदे भी अपने जीवन में खाली नहीं बैठना चाहिए, और जो कर्म करें उसने जागरूकता के साथ करना चाहिए।
अपना धर्म निभाना चाहिए। यह बात इस श्लोक में अच्छी तरह समझा रखी है।